पहला नंबर तो 5 मैच कर गया। ओ माय गॉड। दूसरा नंबर 2। ओ ग्रेट, दूसरा नंबर पे मैच कर गया। आज अगर जॉनी करोड़पति बन जाएगा तो कल क्रिसमस धूमधाम से मनाएगा। स्टेला, ठीक 7 बजे घर आ जाना, थॉमस भी आ रहा है। हाँ, जॉनी तो रहेंगे ही। आज क्रिसमस ईव पर टीवी पर बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है, सब मिलकर सुनेंगे। प्रभु यीशु हम सबको आशीष देगा। प्रभु यीशु की शरण में जाने से जीवन को लक्ष्य मिल जाता है। अरे मजा आ गया। अरे 60 टिकटों के नंबर अगर मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, 8वें टिकट का नंबर तो मैच हो गया है। इसके 6 नंबरों में से 5 नंबर मैच हो गए हैं, अब 6ठा नंबर भी मैच हो जाएगा तो मैं छुट्टी करके छोड़ूंगा। हे प्रभु, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस सुख शांति चाहिए। पैसे से क्या कुछ नहीं होता। नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? तुमने फिर लॉटरी के टिकट खरीदे? वो क्या है ना, एक्चुअली तुम्हें पता है लॉटरी जुआ है, गैम्बलिंग है, एंड गैम्बलिंग इज अ सिन, ये पाप है। ये पाप सिर्फ 1 नंबर से अच्छाई में बदलते बदलते रह गया डार्लिंग। क्या मतलब? मतलब ये कि 6 नंबरों में से 5 नंबर मैच हो गए। 5 नंबर मैच हो गए। अगर 6ठा नंबर मैच हो गया होता ना तो आज हमारे पास 2 करोड़ रुपए होते। 2 करोड़ रुपीस। अगर 2 करोड़ हमारे पास होते ना तो तुम कभी नहीं कहते गैम्बलिंग इज अ सिन, क्योंकि बदल चुके होते हमारे दिन। कभी नहीं सुधरोगे। मैंने तुमको कितना टाइम समझाया कि जीसस ने हमको जितना दिया काफी है, हमको बिना आशीष के पैसे नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो ईमानदारी से मेहनत करो, लालच के पैसों में विश्वास मत करो। यीशु मसीह हमारा जीवित प्रभु है, उसमें विश्वास रखो। अरे मैं भी उसे मानता हूं यार। पाप करने वाले प्रभु को नहीं मान सकते। तुम्हारे लिए अच्छा है कि लॉटरी की टिकटों में पैसे बर्बाद करने की बजाय किसी गरीब को दान दे दो, उससे प्रभु तुम्हें आशीष देंगे, तुम्हें हर तरह की खुशी देंगे, सुख देंगे। प्रभु सुख देंगे? टाइम लगेगा। यहाँ लॉटरी लगी, सुख हाजिर, इंस्टेंट प्लेजर। हे प्रभु, ईशु और बाइबल को मानने वाला इंसान ऐसा सोच सकता है? तुम मानते क्यों नहीं कि लालच पाप है? एक गिलास पानी मिलेगा? ये पाप और सच्चाई के चक्कर में तुम पड़ी रहना। मैं जल्दी में हूं, मैं जा रहा हूं। ओके। अरे पाप रे, सत्यानाश, इस छोटे से घर में यही होता है। कभी मैं सामान पे गिरता हूँ, सामान मुझ पे गिरता है। अरे लॉटरी लगेगी ना तो बड़ा सा घर ले लूंगा, जहाँ मैं वाइफ को ढूंढू, वाइफ मुझे ढूंढे और वाइफ के मुंह से डांट सुने मुझे बरसों बीत जाए। क्या हुआ? ये ले, क्या हुआ देख, ये ले, बंगला गिर गया। बंगला? बंगला? डैडी शाम को केक लेकर आना, बड़ा सा केक। हाँ डैडी, स्ट्रॉबेरी वाला केक लेके आना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे बटर स्कॉच वाला चाहिए। तुम्हारे पसंद के केक में ला दूंगा। ओके, ये क्या? मेरे बाप रे, अब तो बड़ो चिल्लाएगा। मैं तो कहूंगा सॉरी, लेकिन ये मानेगा नहीं, बोलेगा स्कूटर बदल, साइकिल बदल या नौकरी बदल। क्या करूं? बॉस, मैं आ गया। बॉस जॉनी, तुम आज फिर लेट हो गए। बॉस मेरा स्कूटर खराब हो गया था, मैं किसी की साइकिल लेकर आ रहा हूँ। नॉनसेंस, यू आर ए नॉनसेंस गाय।
बातें बनाने से और ड्रीम्स देखने से लाइफ नहीं चलता, अव्वल आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। ईमानदारी से काम करोगे तो परमेश्वर भी तुमसे खुश होगा, ईमानदारी से काम करो तो तुम्हें खुद ब खुद पैसे लेने का हक होगा। तुम अपने आप पर गर्व महसूस करोगे और तुम्हारी मूंछें ऊंची 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 हो जाएगी। मुच्छड़ अपनी मूंछों पे बहुत घमंड है। बेवकूफ, बगैर मूंछों के ताव देता है, काम में दिल नहीं लगता लेकिन नाटकबाजी में दिमाग खूब चलता है। अच्छा, गेट आउट। यस, जाकर जाकर अपना काम संभालो, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ओके बॉस। और सबका ख्याल रखना। वाह वाह, व्हाट अ नाइस मैन, वेरी नाइस मैन। अरे परमेश्वर करे ऐसा प्यारा बॉस हर एक को मिले। ऐसा क्यों? आज उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अव्वल दर्जे के मेहनती इंसान हो। हमको तुम्हारे ऊपर प्राउड फील होता जी। अरे उनको भी है। और पता है उन्होंने मुझे एडवाइस भी दिया। ओ दसो जी। बॉस ने मुझसे कहा कि दो चीज जिंदगी में कभी बदलना नहीं, वो शर्ट और पैंट। नहीं यार, स्कूटर और ये नौकरी। जॉनी भाई आप तो ग्रेट हो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बता दिया, कंफर्म हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू। ओ पाई साहब, इस बार क्रिसमस में पार्टी नहीं दीती तो बहुत बुरा होगा। अरे पार्टी मिलेगी, पार्टी मिलेगी, एक बार मेरी लॉटरी लग जाने तो। इनमें से एक तो लगेगी, फिर मेरी किस्मत जगेगी। मुझे 100 केक्स मिलेंगे शाम तक? हाँ हाँ जरूर मिल जाएंगे। 100 केक्स, 1000 रुपये एडवांस होगा। ओके, शाम तक मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके बाय बाय। बंदे ने ना 1000 रुपए एडवांस भी दिया है। हाँ। पर 100 केक बनेंगे कैसे? ओ जी बल्ले बल्ले, वो 75 केक तो अपने पास पहले से ही तैयार है। अच्छा ठीक है जॉनी, तुम है ना अवन पे बैठना और टेम्परेचर कंट्रोल करना। okay. और तुम दोनों चलो मैदा और शक्कर निकालते हैं। तैयारी करते हैं जी, बल्ले बल्ले। ओ बल्ले। ओके। सर मैं काम कर रहा हूँ। तुम फिर लेट आए? सॉरी सर, वो मेरा स्कूटर खराब हो गया था। या स्कूटर बदलो या नौकरी बदलो, समझे? लेकिन बॉस, आई से गेट आउट। गेट आउट, यस। और सुनो कि जो ऊंची मूंछे है ना जी, उसको नीचे करो, नीचे करो। जी जी जी, मैं घर जाके इन्हें काट दूंगा। Ha ha ha!
की किस्ता ओ आग लग गई ओए ओ चल गित्ता अरे माय गॉड ये क्या हुआ ओ कौन जानी तुमने सारे केक जला दिए अब हम कस्टमर को क्या जवाब देंगे ऐसा कभी नहीं हुआ अरे आग बुझा अल्लू अब बॉस देखेगा तो क्या होगा अरे फायर एक्सटिंग्विशर ओ जानी तुम सपना देखना कब बंद करेगा पूरा सत्यानाश कर दिया हट जा पीछे हटो क्रिसमस ईव पर 100 केक का ऑर्डर था अब क्या करोगे दुआ कहां से आ रहा है कहां से ये केक किसने जलाया जानी ये सारे केक तुमने जलाए हैं सत्यानाश हो गया यू आर सिंपली डिस्गस्टिंग अ मैन गुड फॉर नथिंग जाओ 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 get out from here आज से तुम्हारी छुट्टी तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो क्या अपना काम करो अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा डैडी डैडी शाम को केक लेकर आना बड़ा सा केक प्लीज डैडी प्लीज डैडी मेरे लिए शाम को स्ट्रॉबेरी वाला केक लेके आना डैडी प्लीज मुझे वो बहुत अच्छा लगता है आता ही होगा स्टेला तुमने लास्ट ईयर का मैसेज सुना था नहीं मैं मिस कर गई थी करती हूं क्रिसमस का संदेश क्या है इसका सार तीन शब्दों में किया जा सकता है जो तीन वस्तुएं हैं पालना क्रूस और मुकुट जब हम पहले क्रिसमस का स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है पालना क्योंकि 2000 वर्ष पहले फिलिस्तीन की एक सर्द रात एक बालक जन्मा था उसका जन्म स्थान एक गौशाला थी तथा उसका पालना और कुछ नहीं वरनचरनी थी ये इसलिए कि मरियम और यूसुफ गरीब थे और बेतलहम की किसी भी छोटी से छोटी सराय में जगह नहीं थी परंतु उसका जन्म साधारण नहीं था बाइबल बताती है कि उस पहली क्रिसमस की रात में स्वर्ग दूत ने बेतलहम के बाहर चरवाहों से कहा मत डरो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं ये सब लोगों के लिए होगा लेकिन इसका अर्थ क्या है 2000 साल पहले
किसी बालक के जन्म लेने से हमारे संसार और जीवनों में आखिर क्या फर्क पड़ सकता है। हर युद्ध के दौरान छोटे बच्चे अपने घरों में रहते हैं जबकि उनके पिता युद्ध के लिए चले जाते हैं, और बहुत सी माताएं बच्चों के मन में पिता की याद ताजा रखने की पूरी कोशिश करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक माँ अपने छोटे से बेटे को प्रतिदिन सोने के कमरे में ले जाकर उसे पिता की तस्वीर दिखाती थी जो युद्ध पर गए हुए थे। एक दिन बच्चा अपने पिता की तस्वीर को बड़ी चाह से देखता रहा, फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ कितना अच्छा होता यदि पिताजी इस तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकल आते। सदियों से लोग आसमान की तरफ देखकर यह आस लगाए हैं कि उस स्वर्गीय फ्रेम में से परमेश्वर निकल कर आए, अपनी पहचान कराएं और हम में मिल जाएं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बैतलहम की उस साधारण सी गौशाला में ठीक ऐसा ही किया। प्रभु यीशु मसीह किसी साधारण बालक के समान नहीं थे। ये चाहे हमें अजीब और समझ से परे लगे, बाइबल के अनुसार कुंवारी मां से जन्मा ये बालक मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। उसने जगत की सोच को बदल डाला। क्या आप चकित हैं कि परमेश्वर को जान पाना संभव है? हाँ, आप जान सकते हैं। पहले क्रिसमस के उस पालने के कारण जान सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया प्रभु यीशु के रूप में। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें। इस क्रिसमस के समय आप उन्हें जान सकते हैं उनकी ओर फिरकर विश्वास और भरोसे के साथ। परंतु हम क्रिसमस को अलग नहीं कर सकते उस क्रूस से जिस पर प्रभु यीशु मारे गए। प्रभु यीशु इस जगत के सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं, परंतु उनके आने का प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराना था। उनके जन्म की घोषणा करने वाले स्वर्गदूत ने कहा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु स्वयं अपनी मृत्यु के विषय में कहते हैं, इस अंत के कारण मैंने जन्म लिया। इसके वर्षों बाद प्रेरित पौलुस ने लिखा, मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। जब आप समाचारों की सुर्खियां पढ़ते हैं या खबरों को सुनते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि मनुष्य जाति में कहीं कुछ गंभीर समस्या है। घृणा, वासना, लोभ, हिंसा, ईर्ष्या और भ्रष्टाचार हजारों रूप में रोज हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य एक विरोधाभास के समान है, जहां एक तरफ वो प्रदर्शित कर सकता है भलाई, प्रेम, कृपा और करुणा, वहीं दूसरी तरफ उसके हृदय और दिमाग में हर प्रकार का विद्रोह, दुष्टता और पाप भरा पड़ा है। आज के संसार की सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक नहीं है, न ही सामाजिक और आर्थिक है। सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य हृदय। बाइबल के अनुसार मनुष्य जाति बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी ने, जिसे बाइबल पाप कहती है, मनुष्य के जीवन और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। इससे भी बढ़कर इसने हमें उस परमेश्वर से दूर कर दिया जिसने हमें सृजा और चाहा कि हम उसकी संगति में रहें। चाहे हम क्रूस की उस मृत्यु को पूरी तरह न समझ पाए, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उसके पास वापस लौट आए। मसीह द्वारा हमारे पापों की क्षमा संभव हो पाई। हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सकती है तथा परमेश्वर से हमारा मेल हो सकता है केवल उस क्रूस के कारण। आप देख सकते हैं कि क्रूस और पुनरुत्थान मनुष्य की एकमात्र आशा है। ये महत्वपूर्ण घटना जो 2000 वर्ष पहले हुई थी। परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं, तुम्हें पास लाना चाहता हूं, तुम्हें नया हृदय डालना चाहता हूं, तुम्हें शांति, आनंद और भविष्य की आशा देता हूं। यही क्रिसमस का शुभ संदेश है। क्रिसमस का संदेश पालने के साथ ही समाप्त नहीं होता, क्रूस के साथ भी नहीं होता। ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हम मुकुट को न देख लें। एक दिन मानव इतिहास का महिमामय अंत होगा। बाइबल के अनुसार मसीह का दोबारा आगमन होगा परमेश्वर के राज्य को अंतिम और निर्णायक विजय दिलाने के लिए। हाँ, भविष्य के लिए आशा है, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह आएंगे। न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र की इमारत के ऊपर पत्थर की स्लेट पर एक पद अंकित है भविष्य के विषय में, बाइबल की यशाया पुस्तक में से, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लिखा है, वो अपनी तलवारों को पीटकर हल्का फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। फिर कोई देश दूसरे के विरुद्ध न तलवार उठाएगा और न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कितना सुखद विचार है।
ये विचार युद्ध से थके हारे और हताश अनगिनत लोगों का स्वप्न और आशा है। इसे यशायाह में पढ़कर आप जानेंगे कि इसमें उस समय का जिक्र है जब मसीह पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। ये वो समय है जिसकी प्रार्थना यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये समय है समय का अंत, वो समय जब वो बेतलहम की चरनी में आए और कलवरी क्रूस पर मारे गए, एक बार फिर महिमा और सामर्थ के साथ आएंगे। इतिहास जैसा कि हम जानते हैं एक दिन समाप्त हो जाएगा, परंतु वो एक क्षण शानदार शुरुआत का भी होगा। प्रेरित पत्रस ने लिखा है, वो जो बेतलहम में आया था फिर आएगा और उसके साथ एक नया आकाश और पृथ्वी होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये सब कुछ और इससे भी कहीं बढ़कर है आशा और क्रिसमस की खुशी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं जो मैं करना चाहता हूं। हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं माफी चाहता हूं। यीशु, मेरे पापों को माफ कर दो, मैं तेरे शरण में हूं। मैंने लालच करने का पाप किया, तू मेरे मन को अच्छे विचारों से भर दे, मेरे जीवन से अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर दे। मुझे माफ कर दे प्रभु, मेरा जीवन जले हुए केक की तरह है जो ऊपर से दिखावे की क्रीम से ढका होने के कारण अच्छा दिखता है पर अंदर से किसी काम का नहीं। प्रभु, क्या अब भी मेरे जीवन में आशा है, क्या उम्मीद है? प्रभु, प्रभु, थैंक यू प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। डैडी, केक। प्रभु, ये जला हुआ केक लाकर मैंने बच्चों को धोखा दिया है प्रभु, मगर मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मगर मैं अपने बच्चों की नजरों में गिरना नहीं चाहता हूँ प्रभु। मैं मानता हूँ मैंने अपने आप को बहुत धोखा दिया है, पर मैं बच्चों को धोखा देना नहीं चाहता हूँ प्रभु। मेरे गुनाह माफ कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो। फादर गॉड, प्लीज फॉरगिव माय सिंस, मुझे बचा लो प्रभु। क्या केक है पापा! वाह जॉनी, क्या केक लेके आए अपने बेकरी से, इट्स रियली वंडरफुल। खाओ थॉमस। थैंक यू प्रभु, ये आश्चर्य काम, ये मिरेकल आप ही कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद, मैं आज जान गया हूं कि मुझ जैसे पापी के लिए भी उम्मीद है, आशा है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हैप्पी क्रिसमस बॉस। हैप्पी क्रिसमस जॉनी, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या आपकी दूसरी लॉटरी निकल आई है? प्रभु यीशु ने मेरे पापों को माफ कर दिया, मुझे नई जिंदगी दी है बॉस। आज की इस पवित्र सुबह के साथ ही मेरे मन में एक नई सुबह आई है, ज्ञान का उजाला लेकर, खुशियों का झोंका लेकर। अब मेरे मन में कोई लालच नहीं, बस है तो सिर्फ पीस है, शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे माफ़ किया और मुझे छू लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बॉस, यही खुशी बांटने के लिए मैं आया था। थैंक यू जॉनी। जब मन में सवेरा आता है तो जीवन में भी सवेरा आता है। अगर उस यीशु ने तुझे माफ कर दिया है तो मैं भी तुझे माफ कर सकता हूं। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो हिज फॉलोअर। ये लो, आशा की पुस्तक, द बुक ऑफ होप, ये तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, सही रास्ता बताएगी। इसे पढ़कर तुम जिंदगी का तुच्छ समझ सकोगे, जिंदगी की सच्चाई तुम्हें मालूम हो जाएगी, तुम्हारे मन में जो भी अंधकार है वो दूर हो जाएगा और तुम खुद ब खुद प्रभु के चरणों में चले जाओगे।
और हाँ जॉनी, कल से तुम काम पर आ रहे हो। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने किस तरह जॉनी बेकर का जीवन बदल गया और उसके पाप क्षमा हो गए। आपका भी जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। अगर आपके हृदय को भी इस क्रिसमस के संदेश ने छुआ है तो आप मेरे साथ साथ इस पश्चाताप की प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु, मैं इसी क्षण अपने पापों की क्षमा मांगता हूं और अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोलता हूं। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। इस क्रिसमस मेरे हृदय में जन्म लीजिए और मेरी प्रार्थना को कबूल कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर रहा हूं। आमीन। दोस्तों, इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम आपको एक मुफ्त उपहार देना चाहते हैं, आशा की पुस्तक। ये पुस्तक कई भाषाओं में उपलब्ध है। हमें आज लिखिए। हमारा पता है माई होप इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 52, सिकंदराबाद 500003, आंध्र प्रदेश, भारत। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।